ये जोड़ी इतनी प्यारी है जितनी ये टेलीविजन पे ड्रामास में आपको पसंद आई, आपने इनको मोहब्बत किया। एक रीज़न ये थी कि हमने इन दोनों को कहा कि आज कपल चोनी, आज हम इन दोनों को बुला के यहाँ पे शो करेंगे। और ब्रेक में वो बेबी बाजी बन गई थी, मैं अजरा बन गई थी, हम दोनों के अनबन हो गए, इसलिए मैं अजरा आ गई। ये बताइए दीदी, जब जब इनका एक सीन आ रहा था, मैं पता नहीं कहाँ बैठी हुई थी, कहाँ थी मैं, अपनी किसी फैमिली उसमें थी, तो वहाँ पे सब ड्रामा देख रहे थे यही ना, तो एक सीन इनका आया जिसमें सऊद को बता रही है तुम्हारी बेगम ने ये किया ये किया ये किया, तो किसी खातून ने कहा कम ये भी नहीं है। पूरी कहानी सुनाई है ना पहले से। बाय द वे वो किधर है, वो मोटे मोटे कंगन जो इन्होंने बनाए, ये रहे वो कंगन। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितना सीखा था दोनों की ना पर्सनालिटी में, जमीन आसमान का फर्क ना। जवेरिया जो है चुलबुली सी पटाखा किस्म की, और समीना आपा मेरा बड़े काम बार समझदार, बात भी करेंगे आवाज नहीं आएगी, म्यूट बात करती हैं। अच्छा इनके हर सीन के आखिर में लिखा था कसमसा के रह जाती हैं। कसमसा के रह जाती, हर सीन के आखिर में होता था, कहती थी वाकई कसमसा जाती है बेचारी। और पता है क्या, ये ज्यादा अच्छा था अगर दोनों एक जैसी होती ना, तो फिर वो मजा नहीं आता कैरेक्टर का वाकई, क्योंकि लोग बहुत सारी इसी वजह से बहुत सारी चीजों में आपा का था कि वो बोल रही हैं आगे, आपा ने कहा नहीं ये मेरे कैरेक्टर के साथ नहीं जा रहा, मैं नहीं करूंगी ये। हाँ, ये मुझे सूट नहीं कर रहा मेरी पर्सनालिटी को, जो पर्सनालिटी आपने बनाई है इसमें। अच्छा जी, लोगों ने ना कुछ इनसे सवालात भी किए हैं, कुछ इनके बारे में भी कहा है, तो पहले समीना आपा के बारे में लोगों का क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। अजरा का हाल बहुत बुरा दिखाना चाहिए था, ऐसी औरतें ना खुद सुकून में रहती है ना दूसरों को रहने देती हैं। बेबी बाजी को चाहिए था कि अजरा को शुरू से दबा के रख। अजरा जैसे बहू है घर बर्बाद कर देती है, बेबी बाजी ने बहुत बर्दाश्त करा, अगर मेरी जैसी होती तो अजरा को सही कर देती। अजरा जैसी बहू जो होती है ना, वो जुबान दराज औरतें, वो ना लोगों के खानदान के रिश्तों को सब ख़त्म कर देती हैं। मैं तो कहूँगी बेबी को अजरा का दिमाग दुरुस्त कर देना था। अजरा जैसी औरतें जुबान दराज होती हैं और ये सबको परेशान करती रहती हैं, इनका शैतानी दिमाग होता है। बेबी बाजी को चाहिए था कि अजरा को शुरू से दबा कर रखती, उसे इतना बोलने क्यों दिया। मैं तो कहती हूँ बेबी को तो ऐसे जैसे बेबी कजन है, मैं तो कहती हूँ बेबी ये तू क्या कर रही है। तो ये आपने देखा मतलब लोगों के, लोग कितने इमोशनली इन्वॉल्व थे इसमें, तो लोगों ने, तो आई एम श्योर कि आपको मशवरा देते होंगे जब ड्रामा वो बन चुका होगा, तैयार भी हो चुका होगा, ऑनियर होगा, तो लोग कहते हैं ये क्या कर रही हो, कल इसके साथ ये कर देना। लेकिन आप यकीन करें सऊद को जितना मासूम लोग समझ रहे हैं ना इस ड्रामे के बाद, इतना मासूम नहीं है वो। ये बाकी मैं भी कैसी, मेरे सबर का इम्तिहान मतलब, और ना एक ऐसा साबिर इंसान, सबर का वैसे है, वैसे ही मम्मा बने हुए वो, तो असल जिंदगी में भी साबिर ऐसे ही है। तो क्या बताना चाह रही कि असल जिंदगी में ऐसे ही है, असल जिंदगी में ऐसे ही है। जहाँ मुझे गुस्सा आता है, चलो बच्चों मामा को दौरा पड़ गया, चलो कमरे से बाहर, चलो तीनों कमरे दूसरे कमरे में जाके टीवी लगा के बैठ जाते, इतना और गुस्सा आता है मुझे। बाकी तो यानी कि कभी आपने बहस करी तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही कि बस ये चले जाते हैं, मैं बोलती रहती हूँ ये लोग सब कमरे बाथरूम में चले जाते हैं, सब कमरे से भाग जाते हैं, तीनों ने ही दूसरे कमरे आके टीवी लगा के बैठ जाते हैं। तो वो जो आप उनको बार बार ताना देती थी कि हाँ हाँ चले जाओ उस बाथरूम में, हाँ ये भी होता है, ये सही था, दिल से निकला हुआ जुमला सही था। एक जन्नत और एक इब्राहिम, हाँ। जन्नत और सऊद, ये दोनों, इनको अगर इन्होंने कुछ किया है ना और मैं इनके पीछे कहीं घूम रही हूँ तो ये दोनों बाथरूम में एक एक घंटे बैठ जाते, अब तक मेरा गुस्सा नहीं होता, बाहर नहीं आते। मैं कहती हूँ करते क्या है, समझ नहीं आता मुझे कि क्या हो रहा होता है वॉशरूम में, मुझे आज तक नहीं पता चला। मुझे साहब कॉल कर रही होंगी, बाहर निकलो बाहर निकलो, दरवाजे में जा रही होती हूँ जन्नत के भी, तो ये तो दोनों जब आपके खिलाफ जन्नत 5 मिनट मामा, इतनी आराम से आवाज आती है कि कुछ दिन बाद देर बाद इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा फिर बाहर आऊंगी। और अगर आपको यही अगर सऊद भाई कहते 5 मिनट जवेरिया, कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ कि मैं अभी चाबी से खोल के आ जाऊंगी अंदर। पता फिर क्या कह रहे हैं, फोन बाहर रखा है, मैं किसी से बात नहीं कर रहा। लेकिन सबसे मजा तो जब आया मुझे हुआ कोरोना, सबको हुआ, पूरी फैमिली को, ना इब्राहिम को कुछ हुआ, सिर्फ उसका टेस्ट गया। जन्नत का तो हमें पता ही नहीं था किसको भी कोरोना है, क्योंकि वो नॉर्मल थी और उसको हमने बंद किया था, हम तीनों बाहर घूम रहे थे, तो वो कहती थी कोरोना आप तीनों को है, मुझे बंद किया हुआ है। अच्छा जब सऊद को बहुत ज़्यादा बुखार उखार काफ़ी बॉडी पेन भी बहुत था, तो एक दिन ना मैं ऐसी आवाज़ आई, सऊद किसी से बातें करे तो कह रहे नहीं मेरी तो बहुत बुरी हालत थी भाई, कौन जवेरिया, अरे वो तो पका वका के खा गई कोरोना को। मैं अंदर ही बन गई, किससे बातें करें, मैं अपनी बहन से बातें कर रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा मेरी बुराइयाँ चल रही हैं। सर ये भी होता है कि फोन पे बात करते पकड़े जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा वैसे मुझे पता है असल लाइफ में आप कभी किसी ऐसे कैरेक्टर से मिली हैं, अजरा के कैरेक्टर से? मैंने उसी को कॉपी किया था ज्यादातर।
खानदान नहीं, मेरी एक फ्रेंड है उसकी भाभी है, वो ऐसे ही करती हैं। यानी उनके ससुर के इंतकाल पे मैं गई तो सब बैठे हुए थे ऐसे ही, तो मेरे बराबर में बैठी थी तो जो मेरी दोस्त की अम्मी है जो उनकी सास लगती थी, तो बैठी थी तो पीछे से एक बच्ची, में काफ़ी अर्से बात गई थी, बच्ची आई तो मैंने कहा ये तो उनकी भाई की बेटी है ना, बड़े भाई की थी वो, उनकी नहीं थी जिनके बात हो रही थी, मैंने कहा तो भाई की बेटी, कह रही है उनके, तो मेरी दोस्त की अम्मी कह रही है हाँ माशाल्लाह बड़ा अच्छी पढ़ाई में है और ये वो कितनी बड़ी सआदतमंद ये वो ना, तो जो बराबर बैठी रोते रोते कह रही है हाँ हमारे बच्चों में तो कांटे लगे हैं ना, मैंने क्या हो गया, हाँ अम्मी कभी आप मेरे बच्चों की तारीफ कर दें किसी के सामने, वो कह रही अरे भाई तो तुम्हारे बच्चे आएंगे तो उनके बारे में बोल दूंगी, नहीं बस आप ये करती रहती हैं। अच्छा छोड़ो जेवीर ये बताओ कि क्या ड्रामा कौन सा कर रही हो आजकल, अचानक चेंज हो गई रोते आंसू साफ करके, तो मैंने ना मेरे दिमाग में मैंने कहा ये क्या कैरेक्टर है, तो अभी ये बात को 4-5 साल गुजर गए, तो 5 साल बाद जब ये कैरेक्टर आया तो मैंने सोचा कि इनको तो छापना है मैंने, कि बैठे बैठे रो भी रही है, बैठे बैठे हंस रही है, अचानक और आंसू एक नहीं, हाँ और एकदम चेंज ना होते हैं लोग ऐसे, हाँ बिल्कुल, मतलब वो बेचारी उनकी सास ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बस वो बच्ची आई तो मैंने उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बता दिया कि मैंने कहा माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है, वो छोटी सी थी तो उन्होंने ऐसी कह दिया कि माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रही है हर चीज, हाँ हमारे बच्चों में तो कांटे लगे, जबकि उनके बच्चा तो कोई सामने आया ही नहीं था, आता तो उनकी भी तारीफ करती थी, कॉल करके बोला आपको पता है वो आप थी असल में, जरा आप है मैंने सऊद को ये बात आगे बताई थी जब मैंने एक्टिंग की ना, सऊद ने कहा जो तुमने मुझे एक खातून के बारे में बताई तो वो जी को दूसरी को तो नहीं छाप रही, मैंने कहा वो जी को छाप रही हूँ तो जिनको आपने छापा उनको पता चला कि वो है पता नहीं अच्छा लेकिन जिस अजरा की हम बात करें उन अजरा के हक में भी बहुत सारे लोगों ने बात की, जैसे बेबी बाजी को मशवरे तो आपने सुन लिए, लोगों ने अजरा के हवाले से भी बड़ी बातें की, आपको जी भी सुना जी जी देखिए गौर से देखूंगी इन लोगों को मैं, बिल्कुल ठीक था, हर औरत का हक है अलग घर लेके रहना, अजरा का तरीका गलत था लेकिन उसकी बात उसका परसेप्शन सही था, अलग घर हर औरत का हक होता है, अजरा जुबान की बुरी थी लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी, असमा का हमेशा साथ देती थी और परत की वजह से हमेशा झगड़े हुए हैं घर में, बेबी बाजी की ये डिमांड गलत थी कि सारी बहुएं साथ रहे, ये नामुमकिन सी बात है और मतलब सबके लिए एक अलग घर होना जरूरी है, अजरा तो शुरू से ही ऐसी थी, पहले हिस्से देके सबको अलग कर देते तो इतना मसला ही नहीं होता, अजरा को चाहिए था कि अपना घर अलहदा कर लेती और हिस्से के चक्कर में पर का सब खराब कर दिया, बेबी बाजी भी तो अपनी नन से लड़ी थी तो अजरा से शिकायत क्यों, कल हम लोग अपनी अम्मी के यहाँ गए हुए थे तो मेरे भी माशाल्लाह दो भाई हैं, दो बहनें शादीशुदा हैं अपने घर की हैं, दोनों भाई हैं, तो घर पे ऐसी बात हो रही थी तो पता नहीं क्या बात हो रही थी, तो सब हम सब अपनी फैमिली का बता रहे थे कि जब सब साथ रहा करते थे, पापा अपना बोल रहे थे कि भाई सऊद ने कहा कि भाई हमारे अब्बा ने सबको कहा कि भाई अब तुम लोग सबकी शादियाँ हो गई, अमेरिका में एक घर में सब रहते थे माशाल्लाह, 10 बहन भाई थे ये लोग माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ तो सब साथ रहते थे, तो लास्ट टाइम जब सऊद ने मुझे अपना घर दिखाया तो सऊद ने कहा कि हम यहाँ पर रहते थे, अभी हम वर्जीनिया गए, तो सऊद बता रहे थे कि मेरे अब्बा ने भी सबको कहा कि भाई अब सबकी शादियाँ हो गई हैं, बच्चे हो रहे सब अलग अलग घर ले लो, तो सब ने अलग अलग घर लिया और बड़े शौक से जाए, तो थोड़ा सा अलग होने में प्रॉब्लम होती है फैमिली जब साथ रहती है, लेकिन फिर बाद में ये होता है कि सब अपने अपनी जिम्मेदारियां उठाना शुरू करते हैं, जब एक साथ रहते हैं तो सब दूसरे पे रिलाय कर रहे होते हैं, जब सर पे पड़ती है तो सब काम करना, तो मेरे भाइयों को ऐसे ही समझा रहे थे ना, तो एकदम बात कर रहे थे सऊद मेरे पापा को कहते हैं हाँ भाई सिद्दीकी साहब फिर क्या सोचा आपने, अब अगर है भाई ड्रामा इसीलिए बनाया था आप लोगों के लिए कि आप भी अपने बच्चों को इधर उधर भेजो जरा, हाँ कोई घर भर की बात हो रही थी कि घर कुछ दूसरा ले लें बड़ा कर लें छोटे बच्चे बड़े होते हैं, वैसे जो आप ज्वाइंट फैमिली के हक में हैं या मतलब यार मैं तो ज्वाइंट फैमिली में रही नहीं ना, जैसे मेरी तो जब मेरे सारा ससुराल जो है वो अमेरिका में रहता है ठीक है, और मेरी जब शादी हुई तो हम अकेले ही थे, सऊद के एक भाई हैं वो हमारे साथ रहते थे तो वो 10-11 साल हमारे साथ रहे, अब वो भी आते जाते रहते हैं लेकिन अब वो भी अलग ही रह रहे हैं अपने फ्लैट में ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली के अपना मज़ा अलग है लेकिन अपनी परेशानियाँ अलग हैं और अपने फ़ायदे अलग हैं, और जब आप अकेले रहते हैं तो उसका भी एक अलग मजा है लेकिन उसकी भी कुछ परेशानियां उसके भी कुछ मसाइल है, क्योंकि जब बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बड़े साथ होते हैं समझाने के लिए टोकने के लिए रोकने के लिए, अच्छे से मेरी अम्मी आती है ना कभी रहने के लिए घर पे तो 4-5 दिन मेरी अम्मी रह के जाती है और मैं बहुत चेंज देखती हूँ अपने बच्चों में, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि माँ बाप के लिए बताना और उनको सारी चीज़ें बताना, जैसे हमको बताते थे अम्मी, क्योंकि हमारे जो
बुजुर्ग हैं वो उसी जगह पर हैं आज तक. बिल्कुल बिल्कुल. वो अभी इंडोर लाइफ और जो होती है ना बच्चों की जब हो गई है सोशल मीडिया और ये सारी चीजें हो गई हैं, ये इन चीजों से बहुत दूर है. पर ये मतलब हम बच्चों को कह रहे थे ये चीज करनी है और जो हमारे बड़े थे वो कर रहे होते हैं वो तमाम चीजें ना. तो बच्चे पता है क्या, बच्चे देखते आप क्या कर रहे हैं. हाँ बच्चे ये नहीं देखते आप क्या कह रहे हैं. हाँ जो आप करते हैं हाँ, बच्चे वो करते हैं. बच्चे वो करते हैं. अच्छा मैं आप मुझे बताएं कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के हक में ही आप कहती कि नहीं अलहदा से सेपरेट यूनिट होना चाहिए ताकि बच्चे जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएं. देखिए वही बात है कि कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं और एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं जॉइंट फैमिली में. अगर आप अकेले हैं तो फिर आपको अपने बच्चे खुद पालने हैं और कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है तो सारी जिम्मेदारी आप पर है. जॉइंट फैमिली में ये कि बड़े होते हैं दादा दादी हैं चाचे मामे ये वो वगैरह जो है ना तो वो उसके साथ में थोड़ा सा आसान हो जाता है मगर प्रॉब्लम्स होते हैं. प्रॉब्लम्स होते हैं और स्पेशली अगर आप अकेली खातून और बच्चे पाल रही हो घर में कोई बड़ा ना हो तो बड़ा बड़ा मैटर कर रहा होता है बिकॉज आपको घर चलाना होता है. यू हैव टू रन द शो. फिर आपको सपोर्ट चाहिए होती है. अच्छा सिर्फ देखिए सास और बहू का तो हमें पता है कि रिश्ता एक ऐसा है जो कि हर घर में सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कहीं कहीं तो मियाँ बीवी के रिश्ते से भी ज़रा ऊपर आ जाते हैं सास और बहू का रिश्ता. क्योंकि इस रिश्ते में अगर हार्मनी हो पीस होना तो पूरे घर का माहौल बड़ा अच्छा रहता है. सास और बहू तो थे लेकिन बेटे का बड़ा किरदार होता है. तो सिर्फ इनके लिए नहीं जमाल के लिए भी कुछ लोगों ने मैसेजेस दिए. ये आपने सऊद भाई को जाके ज़रा बताना भी और हम दिखाएंगे भी क्या थे जी जो लोगों ने जमाल भाई को मशवरे दिए इसमें. बाजी भी अपनी जगह ठीक थी और अजरा भी अपनी जगह ठीक थी. जमाल को इन दोनों के दरमियान बैलेंस करना था और अलग घर लेके रहना अजरा का हक था. अगर मेरी अजरा जैसी बीवी होती तो मैं तो पागल हो जाता. उसकी बदज़बानी तो ऐसी ख़तरनाक थी कि मुझे मेरे घर वालों को क्या पता मुझे भी कबूल ना होती. मेरी भी अजरा जैसी बीवी थी तो मैं तो पागल हो जाता. तो यानी कि उन्होंने क्या दिया कि भाई अगर अजरा जैसी बीवी होती तो मैं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्या ये रीजन है कि वो आपको लेके यहाँ पाकिस्तान में उन्होंने घर बनाया सऊद भाई ने. नहीं वो यही फिल्म करने आए थे. एक्चुअली सऊद ने जब 8 साल के थे तो अमेरिका चले गए थे. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह सब अमेरिका में ही किया और जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट की तो अम्मी के साथ यहाँ पर किसी शादी में आए थे. अम्मी को लेकर अपनी दोनों भाई शादी में जब आए तो उनको फिल्म ऑफर हो गई. उन्होंने एक फिल्म की और वो वापस चले गए अमेरिका. यहाँ फिल्म हिट हो गई. हिट हो गई तो सब उनको वहाँ ढूंढते रहे कि मैं कहां गया भाई वो हीरो. तो तहसीन जावेद नैयर सुल्ताना साहिबा वो उनके भाई अमेरिका में उनके साथ ही रहती थी. उनके घर में रहती थी सऊद के. तहसीन भाई ने उनको ढूंढा और बोला कि भाई तुम्हारी फिल्में हिट हो गई तो हम लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ क्या कर रहे हो. फिर ये करते थे ये आते थे फिल्म करते थे चले आते थे आते थे फिल्म करते थे चले जाते थे. और जब लाहौर में इन्होंने घर लिया हुआ था तो यही करते थे. जब फिल्म होती थी तो यही रहते थे. फिल्म नहीं होती तो अमेरिका चले आते थे. तो फिर जब मेरी शादी का जब हुआ इनसे वो एक अलग वो है कहानी है. हाँ, वो कहानी अरेंज मैरिज हुई थी. मेरी बड़ी नन ने मुझे पसंद किया था एक गजल प्रोग्राम में देख के. तो इन्होंने मुझसे पूछा कि लाहौर रहना है कि कराची. तो मैंने कहा मैं तो कराची रहूँगी क्योंकि मेरी फैमिली यहीं पर ही है. हाँ। और मैं तो ना आपकी फैमिली है ना मेरी फैमिली कोई भी नहीं है. तो फिर यहाँ शिफ्ट हुए. मतलब लड़कियाँ ब्याह के दूसरी शहर चली जाती हैं या आप लड़की ब्याही पर जो लड़का दूसरे शहर से इधर आ गया कराची नहीं जाऊँगा वो हो ही सका वो सीधा कराची आ गई कराची ही जाऊँगा वाली चीज़ होगी.